गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे हम आज 6 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि बीसीसीआई ने इनमें से किसे क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल करने की घोषणा की है, तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, मदनलाल, रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षणा नायक, तीनों लोगों को सीएसी यानी कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी इसमें शामिल कर लिया गया है। आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा NADA ने डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद किसे निलंबित कर दिया है, तो ये 4 ऑप्शन आपको कमेंट करके सही जवाब बताना, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। गाइज, मध्य प्रदेश की जो करंट आउटलुक है वो आ चुकी है जनवरी माह की, फेब पे मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी आपको फेब 2020 की भी मिल जाएगी, तो इसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका डेमो चाहते हैं तो मध्य प्रदेश आउटलुक फैंस के नाम से एक ग्रुप मैंने टेलीग्राम पर बनाया हुआ है, ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप उस डेमो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड यानी कि IFA की आधिकारिक घोषणा किसने की, तो देखिए IFA की जो आधिकारिक घोषणा की है वो है सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस ने, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा सलमान खान, इन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा करी है प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये IFA का 21वां आयोजन है जो पहली बार मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, इसके साथ साथ इससे पहले देश में पहली बार इसका आयोजन किया गया था मुंबई में, दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है इसका मध्य प्रदेश में। इसका आयोजन एक दिन भोपाल में मिंटो हॉल में किया जाएगा, इसके अलावा 2 दिन जो दिल्ली कॉलेज है इंदौर का वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में जो सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार हैं सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस, इन्होंने आयोजन के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में IFA अवार्ड के आयोजन तारीखों की घोषणा करी है। ये मिंटो हॉल में 21 मार्च को और इंदौर में 27 और 29 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा। डेट ध्यान रखें, 21 मार्च को भोपाल में किया जाना है और इंदौर में किया जाना है 27 और 29 मार्च को। ये डेट्स जो है अब फाइनल हो चुकी है, क्योंकि पहले मैंने शायद वीडियो बनाया था उसमें डेट्स फाइनल नहीं थी, ये लेकिन फाइनल डेट्स है। संगीत, मनोरंजन और फिल्म निर्माण की विभिन्न विधाओं के समागम से जुड़े IFA अवार्ड के आयोजन को सलमान खान के साथ रितेश देशमुख, जैकलिन और कैटरीना कैफ होस्ट करेंगे, तो ये इसको होस्ट करने वाले हैं। देश में मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहां पे IFA अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। 2019 में इससे पहले इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। गाइज, हमारी MPPSC 2020 की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, 30 फुल लेंथ टेस्ट हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप MPS IMP कॉन्स्टेबल सब इंजीनियर की भी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंत्री जयवर्धन सिंह ने किसे नर्मदा महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है, तो गाइस अभी हाल ही में आपको पता होगा अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है, तो इसमें मंत्री जयवर्धन सिंह जो हैं इन्होंने कैलाश खेर को यहाँ पे जो नर्मदा महोत्सव है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करी है, ठीक है, और इसके साथ साथ अमरकंटक में जो नर्मदा परिक्रमा पथ है उसके निर्माण के लिए 1,40,00,000 रुपए भी दिए जाएंगे, ये भी घोषणा इन्होंने ही करी है। इसके साथ ही नर्मदा उद्गम क्षेत्र की स्वच्छता, सुंदरता और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं जयवर्धन सिंह, इन्होंने अनूपपुर जिले में आयोजित अमरकंटक नर्मदा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में ये सारी जो घोषणाएं हैं वो करी हैं। इसके अलावा अमरकंटक टूरिज्म और कन्वेंशन सेंटर के लिए भी आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अमरकंटक नर्मदा महोत्सव हर वर्ष मनाया जाएगा, इतनी जो घोषणाएं हैं वो इन्होंने भी करी हैं, ठीक है, ये अभी हर साल नहीं मनाया जाता है, ये अब हर साल मनाया जाएगा अमरकंटक नर्मदा महोत्सव। अगला है हमारा मुख्य जो नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं जयवर्धन सिंह, इन्होंने अनूपपुर जिले की ही नगर पालिका परिषद पसान में 32 करोड़ रुपए की लागत की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया है, जिससे पसान नगर के 5600 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ और जानकारी भी यहाँ पे दी है, जिसमें मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना जो है इसमें कुछ अपडेट्स किए गए हैं, उन अपडेट्स के हिसाब से नगर पालिका के हर वार्ड में 4 युवक और युवतियों को अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जाएगा। तो आपको पता है फरवरी 2019 में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा करी गई थी, मतलब ये चालू करी गई थी इस योजना को, ठीक है। इसके अलावा शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं के स्व सहायता समूह भी गठित किए जाएंगे।
और इनको स्वरोजगार के लिए प्रथम चरण में 10,000 रुपये, समूह के अच्छा कार्य करने पर 50,000 रुपये और लगातार उत्कृष्ट कार्य करने पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री आवास मिशन जो है उसमें गरीब आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टे उपलब्ध कराने के साथ ही भवन निर्माण के लिए 2,50,000 रुपये भी दिए जाएंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर नहीं है, आपको यहाँ पर मुख्य रूप से जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में जो अपडेट किया जा रहा है उसके बारे में। इसके अलावा जो स्व सहायता समूह है इनके बारे में भी आपको ये अमाउंट्स याद रखने हैं, ठीक है। इतना करंट अफेयर यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न हमारा, राज्य शासन द्वारा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में इस वर्ष कब से कब तक भव्य नृत्य समारोह आयोजित किया जाएगा? तो ये जो नृत्य समारोह है ये आयोजित किया जाएगा 21 से लेके 27 फरवरी तक, सॉरी 20 से लेके 26 फरवरी तक, ठीक है। 20 से लेके 26 फरवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। 7 दिवसीय ये खजुराहो नृत्य महोत्सव है और ये इसका 46वां संस्करण होगा, ठीक है। ध्यान रखिए 20 से लेके 26 फरवरी तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उल्लेखनीय कार्य के लिए कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो हालांकि कल हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अभी फिर से मैं आपको कुछ जानकारी इसमें दे रहा हूँ। जैसे 3 श्रेणियों में इसको अवार्ड दिए गए हैं और जो महिला बाल विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश की इमरती देवी, उन्होंने अवार्ड ग्रहण किया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबन ईरानी से, ठीक है। एक नई दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था उसमें मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को ये पुरस्कार मिले हैं और उन्होंने ये पुरस्कार मध्य प्रदेश में आके मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी सौंपे हैं, ठीक है। तो ये 3 श्रेणियों में जो अवार्ड मिले हैं तो उनमें ये अवार्ड मिले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य के लिए राज्य स्तरीय श्रेणी में, ठीक है, ये प्रथम पुरस्कार मिला है। जिला स्तरीय श्रेणी में प्रदेश के इंदौर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृवंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ये सप्ताह जो है वो 2 से 8 दिसंबर 2019 तक मनाया गया था। ध्यान रखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने गांधी संदेश पद यात्रा पुस्तक का विमोचन किया है? तो मुख्यमंत्री, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज में, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गांधी संदेश पद यात्रा पुस्तक का विमोचन किया है। और आपको बता दें महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर गांधी संदेश पद यात्रा जो है, ये यात्रा है एक्चुअल में, ये जबलपुर से 25 दिसंबर को शुरू हुई थी जिसका समापन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 जनवरी को छिंदवाड़ा में किया था, ठीक है। और इस समापन अवसर पर हुए कार्यक्रम में 25,000 स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो जन को तेणे कहिए को सामूहिक रूप से गाया था जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो साउथ एशिया हेड हैं आलोक कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये गांधी संदेश पद यात्रा जो है ये जबलपुर से शुरू हुई थी 25 दिसंबर को, ठीक है, और 6 जनवरी को इसका समापन कहाँ किया गया था? छिंदवाड़ा में किया गया था। तो ये ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न है, बिजली चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर किस प्रदेश के हर जिले में बिजली थाने खोले जाने की तैयारी चल रही है? तो ये बिजली थाने ये अलग से थाने खोले जाएंगे, ये खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के हर जिले में ये थाने खोले जाएंगे बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है इसकी उसमें बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। अगर कोई बिजली चोरी करते हुए पाया जाता है तो ये बिजली विभाग से पत्र लिखना पड़ता है, फिर पत्र पर प्रोसेस, पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तीनों जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं मध्य प्रदेश की, उनमें जल्द ही बिजली थानों की सुविधा मिल सकती है, ठीक है। बिजली थाने बनने पर कुछ वैकेंसीज भी आएंगी जिनमें से 2 उपनिरीक्षक, 4 सहायक उपनिरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक, 16 आरक्षक इसमें होंगे, 14 पुरुष, 2 महिलाएं आरक्षक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त 30 जवानों को थाना कार्यालय में कार्य करने के लिए भी पदस्थ किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप केवल ये याद रखिए कि मध्य प्रदेश में ऐसा किया जा रहा है बस, ठीक है। और ये पद जो है अलग अलग पद इसमें निकाले जाएंगे, तो ये तो जानकारी मैंने आपको इसलिए दे दी है कि आपको ये पद भी अब बढ़ के मिलेंगे। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।